हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बेबी काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, अगर आप बिगनर हो तो भी आप इसको इजीली स्टिच कर सकते हो। अगर आपकी किसी ड्रेस का कोई लेफ्ट ओवर पीस है तो उसमें ये काफ्तान आसानी से बन जाएगी। मैंने जो कपड़े का पीस लिया है इसकी लंबाई 36 इंच की है और इसकी चौड़ाई 19 इंच की है। कपड़े का पीस कट करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड हम इसकी लंबाई में से लगाएंगे और दूसरा फोल्ड इसकी चौड़ाई में से लगाएंगे। फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसको अच्छे से आयरन कर लें, जिससे इसमें क्रीज बन जाएगी और स्टिचिंग में आसानी रहेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो इसका फोल्ड आप ध्यान से देखें कि हमने मार्किंग किस साइड से करनी है। जो कपड़े की सारी बंद वाली साइड है वहाँ से हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच पर मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। तीरे के निशान से आगे का जो कपड़ा है वो स्लीव्स के लिए रहेगा। कपड़े का जो फोल्ड है वहाँ से ये निशान मैंने 9 इंच पर लगाया है। इसके बाद हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। जो बैक नेक है वो मैंने 2 इंच डीप रखा है और जो फ्रंट नेक है वो मैंने 3 इंच डीप रखा है। दोनों की शेप यहाँ पर मैंने राउंड रखी है। इसके बाद तीरे वाले निशान से 5 इंच नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। काफ्तान की सारी मार्किंग्स हम कपड़े की सीधी तरफ करते हैं। इसके बाद एक निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जितना भी आपके बेबी का चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मैंने ये निशान 6 इंच पर लगाया है। कमर के लिए मैंने यहाँ पर 6.25 इंच पर निशान लगाया है और हिप राउंड के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद कोने से हम 2.5 इंच पर गोलाई डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किसी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर गोलाई डालने के लिए। काफ्तान की लंबाई यहाँ पर मैंने 17.5 इंच पर मार्क की है। इस तरीके की हमारी काफ्तान की शेप रहेगी। अब डोरी इंसर्ट करने के लिए हमें कमर वाले एरिया पर मार्किंग्स करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप कमर वाले निशान से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लें और अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करने से यहाँ पर क्रीज बन जाएगी और हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर वाली जो मार्किंग्स है वहाँ पर हम काफ्तान की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग के लिए कपड़े को हम फैला के रखेंगे। अब इसको सेंटर में से फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग के बाद जो फिटिंग की मार्किंग्स हैं इसको हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर क्रीज बनी है उसके दोनों तरफ हम सेम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद बैक नेक में स्लिट बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट की है जिसकी लंबाई 4.5 इंच की है और चौड़ाई 2.5 इंच की है। इसके सेंटर में हम इस तरीके से वी शेप में मार्क कर लेंगे। वेस्ट एरिया पर डोरी अटैच करने के लिए हम इस तरीके से पट्टियां तैयार करेंगे। पट्टियों की चौड़ाई यहाँ पर 1.5 इंच की है और साइड के मार्जिन को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब काफ्तान की स्टिचिंग में सबसे पहले बैक साइड पे हम स्लिट बना लेंगे। पट्टी को हम कपड़े की सीधी साइड पर रखेंगे और वी शेप में हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद इसको सेंटर में से हम कट कर लेंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक नेक लाइन की फिनिशिंग हम ओरेप पट्टी से करेंगे। स्टार्टिंग में ओरेप पट्टी को हम 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के ही स्टिच लगाना शुरू करेंगे। अब लास्ट में भी पट्टी को हम बाहर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। इसके बाद ओरेप पट्टी पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे पूरी नेक लाइन में। तुरपाई करते टाइम लूप को हम इस तरीके से ओरेप पट्टी के अंदर रखेंगे और अच्छे से पक्का कर लेंगे। नेक लाइन की फिनिशिंग के बाद अब हम इसके साइड की फिनिशिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको सिंपली डबल फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसकी फिनिशिंग यहाँ पर लेस और ओरेप पट्टी यूज करके की है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच चौड़ी ओरेप पट्टी तैयार की है। अब कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हम लेस और पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ओरेप पट्टी यूज करने से जो काफ्तान के गोल कोने हैं उनकी फिनिशिंग भी अच्छे से हो जाएगी। पूरे काफ्तान में लेस और पट्टी अटैच करने के बाद इसके एंड पॉइंट को हम उसी तरीके से स्टिच करेंगे जैसे हम ओरेप पट्टी को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी सफाई के साथ हमारी लेस अटैच हुई है। अब इसके बाद जो ओरेप पट्टी है उस पर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको तुरपाई की है। साइड्स की फिनिशिंग करने के बाद काफ्तान इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसको हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फ्रंट साइड पर हम इस तरीके से इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। ये निशान हमारा जो कमर पर क्रीज बनाई थी उसके ऊपर आएगा। मैंने इसके सेंटर में प्लायर से आईलेट्स बनाए हैं।
आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली काज भी बना सकते हैं। अब काफ्तान को हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी उसको हम वेस्ट लाइन पर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। पट्टियों को स्टिच लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि ये साइड की फिटिंग की सिलाई में ना आए। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम पहले मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद ही पट्टी को स्टिच करेंगे। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही फिनिशिंग के साथ कटिंग और स्टिचिंग की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक में मैंने पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। इसके बाद काफ्तान को हम राइट साइड टर्न करेंगे और साइड पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम कपड़े की सीधी साइड से लगाएंगे। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी वेस्ट लाइन में अब हम डोरी इंसर्ट करेंगे। मैंने इस काफ्तान की वेस्ट लाइन में पतली वाली लेस इंसर्ट की है। आप चाहें तो यहाँ पर कपड़े की बनी डोरी भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेस के एक एंड पर बड़ी वाली सुई से हम धागा पिरो लेंगे। इसके बाद एक आईलेट से हम इस तरीके से डोरी को गुजारेंगे और पूरी वेस्ट की पट्टी में घुमाते हुए दूसरे आईलेट से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से डोरी के दोनों एंड्स बाहर आ जाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक लटकन बना के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेस से ही लटकन बना के लगाया है। मेरे पास इस तरीके की लेस थी, इसमें से मैंने दो फ्लावर्स कट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो लेस है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और फैब्रिक ग्लू लगा के इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। फैब्रिक ग्लू लगा के ये अच्छे से चिपक जाएंगे और वॉश करने के बाद भी नहीं निकलेंगे। इसके बाद जो बैक साइड पे हमने स्लिट बनाई थी उसमें सुई और धागे से बटन स्टिच कर लेंगे। वेस्ट में जो हमने डोरी इंसर्ट की थी इसको इस तरीके से खींच के हम बेबी के कमर के नाप के बराबर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे क्यूट से बेबी काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस काफ्तान को हम ट्यूलिप सलवार के साथ पेयर करेंगे। इस ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एक बार उसे चेक कर लें। अगर आप बड़े साइज में या फिर छोटे साइज में ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है वहाँ पे टच करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।